Hello students, so today we will discuss magnetic induction in the axis of a current carrying circular coil. That means ei case re kon hobo na jo conducting path jota achi seta circular path hi thibo. The circular path re current I jemti figure re dekhai chi current I flow karuthibo. So ei axis, suppose axis means सपोज इटा जो प्लेन रे अच्छी सपोज इटा ये जो सर्कुलर कॉइलटा एक्स वाई प्लेन रे सिचुएट करुच्ची सपोज देन तार सेंटर रु पास करिकी सपोज एमती सेंटर देकी पास करथिबो जो लाइनटा सेटा को कहजे से सर्कुलर कॉइल रो एक्सिस. सो ये एक्सिस ऊपर एनी पॉइंट गोटे सिचुएट करुच्ची सपोज से पॉइंटटा को हमें नेम दीचे पी. सो ये पी पॉइंट रे मैग्नेटिक इंडक्शन रे वैल्यू केते हबो ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. तो सही मैग्नेटिक इंडक्शन रे वैल्यू हम एबे डिटरमिन करिबा केमती ना बायो सेभार्स लॉ यूज करी जेमती हमें लास्ट क्लास रे करथिले गोटे स्ट्रेट फाइनाइट लेंथ थिबा गोटे स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर थिला हमर ता जुगु हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इवैल्यूएट करथिले बाय यूजिंग बायो सेभार्स लॉ जेमती हमें गोटे करंट एलिमेंट कंसीडर करुथिले. सेम टी इन दिस केस आल्सो वी हैव टू कंसीडर ए करंट एलिमेंट. दैट मीन्स करंट एलिमेंट इज आई डी एल वेक्टर. ए केस रे हमें कौन करिबा ना अपोजिट साइड रे दीटा करंट एलिमेंट कंसीडर कर दबा. तो एटा भी सपोज हिला आई डी एल वेक्टर. सो हमें जानिचे आई डी एल वेक्टर रो डायरेक्शन सबुबेले इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. करंट रो डायरेक्शन जो आड़े थिबो आई डी एल वेक्टर रो डायरेक्शन भी से आड़े थिबो. एंड एठी हमें सर्कुलर कॉइल रो रेडियस एट केते नेचे ना सपोज ए इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल. दिस इज आल्सो ए. एटा ए होची तार रेडियस. सो एठी हमें कंसीडर करलु फर्स्ट कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए कैरिंग करंट आई. आई करंट ये जो सर्कुलर कॉइल जार रेडियस होची स्मॉल ए आई करंट फ्लो करुची हैला. एंड हियर पी इज द पॉइंट व्हेयर मैग्नेटिक इंडक्शन इज टू बी इवैल्यूएटेड. आमे पी पॉइंट रे सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल जोगु केते मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होउची सेटा आमे इवैल्यूएट करिबा. एंड आमे जो सेंटर रु हियर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल एंड द पॉइंट पी सपोज दिस इज एक्स. ए डिस्टेंस टा होउची एक्स हैला. सो ओ पी केते हला एठी ओ पी डिस्टेंस हला एक्स. सो एठी हमें आउ कौन कंसीडर करचे ना दीटा करंट एलिमेंट कंसीडर करचे आईडीएल वेक्टर एंड व्हिच आर डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर. तो सेटा को एबे लिखिबा कंसीडर टू स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल. डीएल लेंथ थिबा करंट एलिमेंट अपोजिट साइड रे हमें कंसीडर करछे सिचुएटेड एट डायमेट्रिकली ऑपोजिट
opposite edges. हेलो opposite edge रे हमें consider करचे. Suppose ideal vector रू P point भीतर distance होची कितने हब A distance टा A angle टा इटा उटे right angle triangle कोटा ना O P and एठी suppose हमें ना दे दबा suppose A point रा ना दे दबा इठी A एटा ही suppose B जो point रे हमें दीटा करंट एलिमेंट नहींचे ए पॉइंट रे नहींचे आइडियल वेक्टर अपर साइड रे देन लोअर एंड रे नहींचे बी पॉइंट रे सेम करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर तो एबे ए जो ए पॉइंट रु हमें पी पॉइंट को कनेक्ट करले ताहले आरा लेंथ केते हबो जदी इटा ओडे राइट ट्रायंगल ट्रायंगल हबो ताहले जदी ई रेडियस ता हला आर ओ ए हला आर देन ओ पी हमें नीचे x ताहले ए पी केते हबो ना सो जदि एटा आर हला आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रो रूट ओवर हबो एटा हमें जानि छी. सिमिलरली हमें जदि बी पॉइंट को पी पॉइंट रे कनेक्ट करिबा ताहले ए डिस्टेंस टा केते हबो एटा जेहेतु 90 डिग्री एटा 90 डिग्री ओ बी पी ट्रायंगल जे राइट एंगल ट्रायंगल and if OB is equals to A and OP is equals to X then BP is equals to A square plus X square root over ला ताहले एठी हमें पाइलू कौन ना PA is equals to PB is equals to A square plus X square root over एंड जोटा को हमें नहीं चे आर बुझेला. देन हमें ये जो करंट एलिमेंट जोगु हमारे रूल रूल हो ची कौन ना हमें प्रथम ये जो छोटो एलिमेंट जोगु कितने मैग्नेटिक इंडक्शन क्रिएट हो ची पी पॉइंट पकड़े से इटा इवेल्यूएट करीबा देन तक को इंटीग्रेट कर ले हमारा टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू दिस होल सर्कुलर कॉइल एट द पॉइंट पी हमें पाई जीबा इंटीग्रेशन करीबारु. सो प्रथमे हमें ये जो आइडियल करंट वेक्टर जोगु करंट एलिमेंट जोगु कितने मैग्नेटिक इंडक्शन क्रिएट होची सेटा हमें बायोस सबर्स लॉ यूज करके पाई परिबा. सो हमें जानी छे जदी जो करंट एलिमेंट आउ पॉइंट पी भीतर डिस्टेंस जदी आर हैला एंड एंगल थीटा रे से माने सिचुएट करथनी सपोज एंगल्स मींस ए एंगल टा सपोज थीटा हैला ताहले एंगल्स मीन्स जो करंट एलिमेंट रो वेक्टर सपोज आइडियल वेक्टर एंड ये जो पॉइंट पी भीतर दैट मीन्स आर आर एंड आइडियल वेक्टर भीतर जो एंगल टा सेटा हबो सपोज थीटा हला तो थीटा एठी आइडियल वेक्टर रो डायरेक्शन कुवर्ड को हबो ना आम जानचे करंट डायरेक्शन जो आड़े थाए आइडियल वेक्टर डायरेक्शन से आड़े थाए तो एक केस रे आइडियल वेक्टर डायरेक्शन कोड हम आउटवर्ड हम कारण एटा फिगर जेहेतु एटा टू डायमेंशनल आमर प्लेन अच्छी आम फिगर एटा एक्चुअली गोटे थ्री डायमेंशनल पिक्चर एटा कारण आमर करंट कैरिंग कॉइल जो प्लेन रे सिचुएट करुची सेटा होची एक्स वाई प्लेन एक्स वाई प्लेन रे सिचुएट करुची एंड जदि एटा एक्स वाई प्लेन रे सिचुएट करुची तार एक्सिस जोटा पास करुची तार सेंटर दे कि पास करुची सेटा को प्लेन रे अछि सेटा जेड जेड एक्सिस हमर सेटा हबो सेटा जेड एक्सिस रे अछि ए जो लाइन टा पास करुची जोटा सेंटर दे कि सेटा जेड एक्सिस रे अछि एंड ए जो हमर करंट कैरिंग कॉइल टा एक्स वाई प्लेन रे सिचुएट करुची ता माने यदि करंटटा ए डायरेक्शन रे फ्लो कला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे फ्लो कला देन आइडियल वेक्टर डायरेक्शन कोड हो बना आउटर डायरेक्शन रे हबो इयाड को हबो आइडियल वेक्टर डायरेक्शन ला दैट मींस इटा नियरली सपोज इटा मे एठी ए फिगर टा आउट रे कर दो छी मु बुझेबा पई एटा हला हमरो
x-axis, eta suppose x-axis, eta hella amra y-axis, eta hella z-axis. Ta amra circular coil ta situate koruchi xy plane re. Bujhela? Tahale amra mu ebe kahili ideal vector direction outward direction re hobo. Outward means it is nearly parallel to y-axis. Hella? Theta y-axis sahita parallel hebo outward direction re. And e theta tam ko angle theta janibar achi kaha kaha bhitare angle ideal vector and r bhitare angle hochi theta. Tale ideal vector jodi outward direction re hela a direction re which is parallel to y-axis and r vector and ideal vector nearly परपेंडिकुलर हेबे ए एंगल टा नियरली परपेंडिकुलर 90 डिग्री हि जीवो बुझियला तो सेटा एबे हमें लिखिबा तो यूजिंग बायोर साभार्ट्स लॉ The magnitude of magnetic field induction at P due to ideal vector, which is at A point, जो ideal vector अच्छी, theta. से आइडियल वेक्टर जो को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन रे वैल्यू पी पॉइंट रे केते हबो इज गिवन बाय सपोज हमें नहीं जीवा सेटा को डीबी इज इक्वल्स टू बायोर साभार्ट्स लॉ हम कौन कहू छी ना डीबी इज इक्वल्स टू हमें जानी छी म्यू 0 बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर थीटा हो छी एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर एंड आर होची डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट पी हैला दिस इज आर स्क्वायर सो इटा हला हमर बायोर साभार्ट्स लॉ तो एबे हमें जानिले थीटा रो वैल्यू केते ना 90 डिग्री सो म्यू 0 बाय 4 पाई आइडियल साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कारण हमर आइडियल वेक्टर थीटा इज द एंगल बिटवीन हमें ऑलरेडी पढ़ सरचे द करंट एलिमेंट वेक्टर एंड द आर वेक्टर तो ये दुटा भितर एंगल होची थीटा जोटु के हमें देखिले बे 90 डिग्री कारण एठी हमें करंट एलिमेंट नहीं थिले करंट एलिमेंट नियरली आउटर डायरेक्शन सो एटा थिला हमर आर तो आर आउ एटा हबो 90 डिग्री एंगल सो दिस इज इक्वल्स टू म्यू 0 बाय 4 पाई आईडीएल बाई आर स्क्वायर हैला एटा हैला मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी ड्यू टू द करंट एलिमेंट आईडीएल वेक्टर व्हिच इज सिचुएटेड एट ए ओके तो आमे आउ गुटे करंट एलिमेंट नै छे व्हिच इज सिचुएटेड एट द पॉइंट बी तो बी पॉइंट रे जो करंट एलिमेंट अछि ता जो को मैग्नेटिक इंडक्शन रे वैल्यू पी पॉइंट रे केते हबो The same if db prime nejiba db prime is the magnetic field induction at p due to the current element ideal vector situated at b हेला जदि एतिकी हेला देन डीबी प्राइम रे वैल्यू केते हबो डीबी रे प्राइम रे वैल्यू सिमिलरली सेतिकी ही हबो म्यू 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई आईडीएल बाय आर स्क्वायर ओके तो एटा हम नै जिबा इक्वेशन नंबर 1 एंड एटा को नै जिबा इक्वेशन नंबर 2 बुझियला
कारण आमर सेम केस इटा खाली डायमेट्रिकली अपोजिट अच्छी ए पॉइंट आउ बी पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट अच्छी बट सेम सिचुएशन ए पॉइंट जो फील्ड इंडक्शन रे वैल्यू जितकी हम बी पॉइंट जो जो करंट एलिमेंट अच्छी तार वैल्यू भी सेतिकी हम एंड वन मोर थिंग इज दैट आम ये जो डी बी वेक्टर पाइले डी बी वैल्यू ड्यू टू आट पॉइंट ए तार डायरेक्शन को आड़क हम ओके सो ये जो डी बी रो डायरेक्शन डी बी टा कौन आम जाचे इटा को वेक्टोरिकली बायोर्स एबर्स लॉ को लिखिले आम केमती लिखू डी बी इज इक्वल्स टू म्यू जीरो बाय फोर पाए आईडीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यू इटा हूँ वेक्टोरिकल फॉर्म ऑफ बायोर्स एबर्स लॉ दैट मीन्स इटा आमको कौन कह डी बी इज अल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी सो द डायरेक्शन ऑफ डी बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ आईडीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर बुझला तो डी बी वेक्टरटा बोथ आईडीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर सहित परपेंडिकुलर होकर रुहे तो आम जाचे आईडीएल वेक्टर सपोज आम वाई डायरेक्शन रे रहिला वाई एक्सिस सहित पैरेलल होकर रहिला आईडीएल वेक्टर एंड आमर आर वेक्टर इटा है आमर आर वेक्टर तो दीटा सही दीटा को परपेंडिकुलर हम आमर डी बी वेक्टर तले डी बी वेक्टर रो डायरेक्शन को आड़ को हम आर वेक्टर सहित परपेंडिकुलर ही थिबो एंड आईडीएल वेक्टर सहित दैट मीन्स ए लाइन सहित भी परपेंडिकुलर ही थिबो दैट मीन्स समहाउ इटा एमती ही थिबो डी बी रो डायरेक्शन सिमिलरली डी बी प्राइम रो डायरेक्शन को आड़ को ही थिबो ए जो आर वेक्टर अच्छी आ सहित परपेंडिकुलर एंड आईडीएल वेक्टर सहित परपेंडिकुलर दैट मीन्स सपोज एटा हम आम डी बी प्राइम वेक्टर एंड ए एंगलटा 90 डिग्री हम कारण आर वेक्टर सहित परपेंडिकुलर हम डी बी वेक्टर इटा 90 डिग्री एटा भी हम 90 डिग्री बुझेला आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी बी वेक्टर एंड आईडीएल वेक्टर इज अल्सो परपेंडिकुलर टू डी बी वेक्टर सो ए डायरेक्शन रे हम डी बी वेक्टर ओके जदि मु एठी गोटे एक्सिस नहीं जीवी एंड ए एंगल टा को मु नेबी ए जो एक्सिस आउ डी बी वेक्टर भितर एंगल जो सपोज फाय हैला ताहले एटा हूँ आमर एक्सिस जोटा सर्कल दे कि पास करुची ताहले ए जो डी बी वेक्टर रो एबे दीटा कंपोनेंट हो जिवो ए जो ए कंपोनेंट हबो डी बी कॉस फाय एंड एटा हो जिवो डी बी साइन फाय सिमिलरली एठी डी बी प्राइम आउ ए जो एक्सिस भितर एंगल्स सपोज फाय हैला ताहले एटा केते हिजिबो डी बी कॉस फाय एंड एटा हिजिबो सॉरी दिस इज डी बी प्राइम कॉस फाय देन इट इज डी बी प्राइम साइन फाय हैला ताहले आमर डी बी कॉस फाय डी बी प्राइम कॉस फाय बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एटा ए डायरेक्शन रे अच्छी एटा ए डायरेक्शन रे अच्छी आम जाचे आम ऑलरेडी बाहर सारे डी बी रो वैल्यू जितकी डी बी प्राइम रो वैल्यू भी सेतिकी इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू डी बी जितकी बाहर थिला डी बी प्राइम भी सेतिकी बाहर थिला एंड जदि फाय सेम हैला में फाय ने एठी भी ए एंगल टा को भी फाय नहींचे ए एंगल को भी फाय नहींचे तेणु डी बी आज डी बी इज इक्वल्स टू डी बी प्राइम देन डी बी कॉस फाय इज इक्वल्स टू डी बी प्राइम कॉस फाय
इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन सो डी ए दुटा कैंसल हो डीबी कॉस फाइव एंड डीबी प्राइम कॉस फाइव कैंसल्स इच अदर ओके ओनली रहिबो को कंपोनेंट डीबी साइन फाइव रहिबो डीबी प्राइम साइन फाइव रहिबो ओके तो आम यही दुटा को ही नहीं कि इंटीग्रेशन आम करवा सो सो आम जान लें फ्रम इक्वेशन वन एंड टू db is equals to db prime and this is equals to mu 0 by 4 pi I dl by r square tame r ra value janiche kete na a square plus x square root over so db is equals to db prime is equals to mu 0 by 4 pi I dl ame r jagare likhi pariba a square प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर आर जगह ये लिखले देन ये आर स्क्वायर अच्छी यहाँ होल स्क्वायर होटा के म्यू जीरो बाय फोर पाए आई डी एल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इतनी है डीबी एंड डीबी प्राइम रो वैल्यू ओके सो नेक्स्ट आम कैलकुलेशन करवा सो आम जान लें कौन ना डीबी कॉस फाइव एंड डीबी प्राइम कॉस फाइव आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन फॉर व्हिच दे कैंसल्स इच अदर गोटे प्लस हेले आ गोटे माइनस दीटा को जेहेतु इक्वल इन मैग्नीट्यूड अच्छा प्लस माइनस कैंसल हो देन तो आम से डीबी साइन फाइव को लेकिन ही आम कैलकुलेशन स्टार्ट करवा सो द टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन केमती बाहर करवा सो द टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द होल कॉइल केते हब बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर डी बी साइन फाइव है दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर डी बी रो वैल्यू आम जानचे म्यू जीरो आई डी एल बाय फोर पाए वन बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन फाइव हैला डीबी रो वैल्यू एति की थिला एंड साइन फाइव हमें मल्टीप्लाई करले एंड दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई कांस्टेंट क्वांटिटी फोर पाए बी कांस्टेंट एंड साइन फाइव डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ओवर डीएल आम लिखिपर तो डीएल को इंटीग्रेशन कले के हम ना ये देखा दैट इम्प्लाइज बी इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय फोर पाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन फाइव वैल्यू केते हबो साइन फाइव हबो ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ आम से ट्रायंगल को देखिबा आमर एमती थिला कॉइलटा एटा थिला ए एटा थिला एक्स एंड एटा थिला ए स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर ओके सो एटा जेहेतु एक्सिस थिला आम एठी गोटे एक्सिस नहीं थिले एंड एटा थिला आमर फाय ओके ताहले साइन फाय रा वैल्यू केते हबो साइन फाय इज इक्वल्स टू देख ये साइन फाय केमती आम इवालुएट करवा एटा जेहेतु फाय अच्छी एटा आम टोटल थिला 90 एटा थिला डीबी तो डायरेक्शन तो डी बी आउ ए आर वेक्टर भितर एंगल थिला 90 डिग्री ताहले ए एंगलटा केते हबो जदि एटा फाय हला ताहले एटा हिजबो 90 माइनस फाय तो 90 माइनस फाय देन ताहले ए एंगलटा केते हबो ए टोटलटा थिला 90 डिग्री हमें जानि छे आर वेक्टर एंड डी बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो एटा 90 डिग्री थिला आम कन्सीडर कले एटा को फाय ताले एटा हो गला हमरा 90 माइनस फाय देन ए एंगलटा केते हबो दिस इज आल्सो फाय कारण आम जानी एटा एक्स एंड ए जो एक्सिसटा आर परपेंडिकुलर टू इच अदर ताले 90 माइनस फाय प्लस फाय इज इक्वल टू 90 ही होची तो एटा एबे ए ट्रायंगल आम जो देखा एटा पॉइंट मैंने ए एटा थिला तार सेंटर ओ एटा थिला हमर पॉइंट पी ताले ए ओ पी ट्रायंगल रे साइन फाय रा वैल्यू केते हबो ना पी बाय एच सो ए बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर जोटा आम लिखीचे देन डीएल रा इंटीग्रेशन केते डीएल रा इंटीग्रेशन टू बाय ए कारण आम छोट एलिमेंट नहीं थिले डीएल वेक्टर ताले जो जदि रेडियस तार ए हम तार सर्कमफरेन्स केते हबो ना टू बाय ए हम सो एबे केते हिजबो बी रे वैल्यू सो बी इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय फोर पाए रहिला एंड एटा हबो टू पाए ए स्क्वायर हिजबो ए जो एटा ए मल्टीप्लाई हेले टू पाए ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर केते हिजबो एटा त पावर 1 आर पावर होची 1/2 ताले एटा हिजबो पावर हिजबो 3/2 सो एटा टोटल केते हिजबो म्यू 0 आई ए स्क्वायर एठी 2 पाए 4 पाए कैंसिल हे गेले एठी 2 रहिला डिवाइड बाय 2 इनटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 तो एटा हला टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द पॉइंट पी ड्यू टू द होल सर्कुलर कॉइल बुझेला इफ देयर आर एन टर्न्स यदि से सर्कुलर कॉइल ला एन नंबर ऑफ टर्न्स थांदा ताहले फील्ड रा वैल्यू केते ही थांदा किसी नहीं तेरे केवल एन आम मल्टीप्लाई करदे आम वैल्यू पाई म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रो 3/2 इतनी ही वैल्यू ही था सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन सो यार गोटे स्पेशल केस होटा कारण आम सिंगल टर्न कन्सीडर करते सो ये एन इज इक्वल्स टू 1 पुट कले जदि आम डबल टर्न कॉइल नहीं था एमती डबल टर्न सर्कुलर कॉइल ताल एन जगह केते पड़ो ना 2 पड़ो ओके सो इफ देर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स देन बी इज इक्वल्स टू म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड अनदर केस इज दैट जदि ये जो पॉइंट पी अच्छी पी पॉइंट सर्कुलर कॉइल रे बाहर न रही सेंटर रे सिचुएट कर था मैंने पी पॉइंट जब सेंटर रही था आमर एक्स रैल्यू के जीरो कारण एक्सटा हूँ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल टू द पॉइंट पी एंड इफ पॉइंट पी इज सिचुएटेड ओवर द सेंटर देन द डिस्टेंस इज जीरो सो If
point P is situated at the center of the coil O, that means O point upar hi P point a situate korthanda. Tahle O aur P bhitare distance kete hithanda 0. So here x is equals to 0 hai hithanda. Karana x ame nahi che distance between O and P. So O and P bhitare distance abe 0 hi jibo. Tahle B ra value kete hobo? So in this case B is equals to aj kebol x jagare ame 0 put kar deba. Mu 0 ni a square divided by 2 into a square x jagare 0 put kariba, so 3 by 2 tahle kete jibo mu 0 ni a square divided by 2 a cube hoi jibo ebe 2 into 3 by 2 hoi jibo, so 2 cancel hoi gale only 3 a cube rahila. ताहले a square a cube cancel ही गले हमारे final अब mu 0 ni by 2 a. So this is only when P is situated at the center of the coil. Okay, so इटा तर वोड़े special case, but हमारे final expression हो ची इटा n number of turns थिले हमें इतनी की पाएगा. Okay, so this is all about your magnetic induction.